हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक आज के क्लास में हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बेसिकली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि रिटेन अर्निंग्स जो है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी जो पैसा कमाया था प्रॉफिट के तौर पे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट कंपनी अगर वो पैसा अपने पास बचा कर रखता है उसी को हम बोलते हैं रिजर्व या आल्सो कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब बेसिकली अकाउंटिंग का जो रिजर्व होता है वही है ठीक है अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिटेन अर्निंग्स का कोई कॉस्ट नहीं होता क्योंकि कंपनी तो उस पैसे को यूज कर रहा है और उस पैसे पे कोई भी प्रकार का डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है तो बेसिकली ऐसा लगता है कि फ्री का पैसा है और इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है क्योंकि अगर ये पैसा हम लोग डिविडेंड के हिसाब से दे देते टू तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पैसे से वो कुछ अर्निंग्स कर सकते थे तो ये जो उनका नुकसान हो रहा है हम डिविडेंड ना देकर इस पैसे को अपने पास रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स डिविडेंड दे देते तो वो पैसा वो लोग कहीं इन्वेस्ट करके कुछ पैसा कमा सकते थे तो उनका नुकसान हो रहा है ये तो बेसिकली शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कंपनी हाई डिविडेंट देगा क्योंकि पास्ट में कंपनी डिविडेंड्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है डेट मीन्स रिटेन अर्निंग का भी एक कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑपरचुनिटी कॉस्ट का मतलब अगर ये पैसा हम शेयर होल्डर को दे देते तो शेयर होल्डर कितना पैसा कमा सकता था उस पैसे के ऊपर उतना कम से कम हम भी उसको दे पाना चाहिए इन फ्यूचर तो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स जो है वो फ्री नहीं होता है रिटेन अर्निंग्स का भी कॉस्ट है और वही हम आज की क्लास में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स ठीक है देखना इट इज सम्स आर्ग्यू दैट रिटेन अर्निंग्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट कई लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट बिकॉज अ फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंट ऑन रिटेन अर्निंग्स हाउ एवर द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स तो कंपनी तो नहीं देता तो ऐसा लगता है कि उसका कोई कॉस्ट नहीं है लेकिन शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अटेन अर्निंग ऑफ रिटेन अर्निंग्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स यहाँ पर के आर दैट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू के ई के ई बेसिकली अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ठीक है या ऐसे बोलो कि ये पैसा अगर हम शेयर होल्डर्स को दे देते तो शेयर होल्डर पैसे के ऊपर कितना रुपए कमा सकता था दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी या के ई मल्टीप्लाइड बाय वन टी का मतलब यहाँ पे टैक्स रेट जो पैसा वो कमाता उस पर टैक्स लगता तो इसीलिए टैक्स माइनस किया मल्टीप्लाई किया वन माइनस टी से मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस बी बी है यहाँ पे ब्रोकरेज कॉस्ट जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे पे कुछ खर्चा होगा कुछ खर्चा लगेगा उस पैसे को इन्वेस्ट करने में तो बेसिकली के आर जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स वो क्या है शेयर होल्डर कितना पैसा कमाता मल्टीप्लाइड बाय जितना टैक्स चला जाएगा वो माइनस हो जाएगा और जितना ब्रोकरेज कॉस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा बाकी जो बचेगा वो होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अगर हम फॉर्मूला में जाएंगे तो फॉर्मूला के ई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस बी ठीक है यहाँ पे टी क्या है टी इज द टैक्स रेट बी क्या है बी इज द ब्रोकरेज कॉस्ट ई इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आर इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स ठीक है तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना ठीक है वीडियो को पॉज कर लेना नोट डाउन कर लेना उसके बाद ये छोटा सा एग्जाम्पल है इसको भी नोट डाउन कर लो है ना उसके बाद अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अ फॉर्म के ई इज फिफ्टीन परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया है पंद्रह परसेंट द एवरेज टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज फोर्टी परसेंट तो टी दिया है टैक्स रेट फोर्टी परसेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू परसेंट ब्रोकरेज कॉस्ट दैट शेयर देयर डिविडेंड अगर ये पैसा हम शेयर होल्डर को दे देते रिटेन अर्निंग्स ना करके ये पैसा अगर शेयर होल्डर को दे देते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट और शेयर होल्डर इस पैसे को इन्वेस्ट करता तो दो परसेंट का खर्चा होता इन्वेस्ट करने में और चालीस परसेंट का टैक्स जाता ठीक है तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स पहले फॉर्मूला आएगा के आर इक्वल्स टू के ई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस बी ठीक है जहां पे के ई है फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टी मतलब टी कितना है फोर्टी परसेंट मतलब पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस बी बी कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू क्लियर है तो आ जाएगा आंसर फिफ्टीन मल्टीप्लाईड बाईं मल्टीप्लाइडी मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई जीरो सॉल्व करते हैं फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड परसेंट तो जो रिटेन अर्निंग्स है कंपनी में उसका कॉस्ट होगा एट पॉइंट एट टू परसेंट ठीक है और भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं रिटेन अर्निंग्स के लेकिन वो सब एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है यही एक लौता फार्मूला है जो काम में आता है रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट निकालने के लिए और बहुत ही आसान है हम देख सकते हैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ मल्टीप्लाई करना है वन माइनस टी मल्टीप्लाइड करना है वन माइनस बी जहाँ पे टी इज़ द टैक्स रेट एंड बी इज द ब्रोकरेज कॉस्ट क्लियर है इतना चलो तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स थैंक यू एंड